हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये प्लांट आप देख रहे हैं बोगनवेलिया का, आज हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका भी ये मौसम जो है आ चुका है। तो बोगनवेलिया को आप कटिंग के साथ ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ग्रो किए थे पिछले सीजन में, पिछले साल। तो अगर आपको कटिंग से ग्रो करने के बारे में जानना है तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप उस कटिंग को पानी में भी रख सकते हैं, कुछ दिन के लिए भिगो के रख दीजिए पानी के अंदर, तब भी वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। या फिर आप उसको मिट्टी में भी अगर गाड़ देंगे तो भी वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। तो आप मतलब इसको कटिंग के द्वारा ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई फ्लावर ऐसा लगा हुआ आपको बोगनवेलिया का दिखाई दे रहा है और अगर आपको पसंद है, तो आप उसको एक ब्रांच, उसकी थोड़ी थिक ब्रांच, इतनी मोटी हो तब भी चल जाएगी, जितनी मोटी आप ये देख रहे हैं ये लगी हुई है ये वाली ब्रांच हमारी, अगर इतनी मोटी है तब भी चल जाएगी। उसकी थिकनेस मिनिमम इतनी मोटी तो होगी आपकी, जितनी आपको दिखाई दे रही है नीचे वाली पोर्शन से, ठीक है ना। तो आप इसकी ब्रांच को इजीली लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको गमले में लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका बोनसाई जो है, बोनसाई भी बना सकते हैं, और बोनसाई बनने के बाद ये आउटडोर और इंडोर दोनों में अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो मैं तो इसका बोनसाई बनाने वाला हूँ, और आप देख रहे हैं इसकी ब्रांचेस कितनी लंबी लंबी हो गई हैं, और इसके ऊपर फ्लावर भी आए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे फ्लावरिंग ये कर रहा है। अभी ये जो सीज़न है इसका, पूरी गर्मी, ये जो फरवरी के बाद मार्च के अंदर इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और ये आपको 8 महीने तक पूरी फ्लावरिंग देती है। 8-9 महीने तक आपकी ये फ्लावरिंग, इसने पूरा सीज़न ये गर्मी का आपको ये फ्लावर देगा। तो इसके अंदर काफ़ी वैरायटीज आती हैं और काफ़ी कलर्स आते हैं, जैसे वाइट कलर है, मॉव कलर है इसके अंदर, थोड़ा ग्रीनिश टाइप होता है एक पत्ता, वो भी है। तो इसके अंदर काफ़ी मतलब कलर आते हैं इसके अंदर, तो आपको जो पसंद हो, रेड भी आता है, पिंक भी आता है, मजेंडा भी आता है, तो काफ़ी तरह के कलर हैं इसके अंदर। आप जो आपको अपने आसपास दिखाई दे और आप जिसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको कौन सी कटिंग लगानी है। तो इसको गमले में लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अभी आप देख सकते हैं कि गमले के अंदर ये किस प्रकार लगा हुआ है। इसकी जो है, आप देख रहे हैं रूट्स भी बाहर आ गई हैं, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हो तो। और अगर हम इसके नीचे देखें, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, इसकी रूट्स जो है आप ये देख सकते हैं कितनी रूट्स इसकी यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं, नीचे से ही नीचे ही। तो ये काफ़ी तेज़ी से भी ग्रो करता है, इसकी ये खासियत और है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो आज हम इसकी जो है, मैं इसको बोनसाई पॉट में लगाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये पॉट लिया है, ये पॉट 3 इंच के करीब है। आपके पास अगर 4 इंच का है तो ज़्यादा बेटर है, मेरे पास 4 इंच का अवेलेबल नहीं है। अगर आप 4 इंच का पॉट लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे ये एक्चुअल में बोनसाई के लिए नहीं बना, ये ट्रे थी बिस्कुट वगैरह रखने के लिए, तो मैंने इसके नीचे एक मोरी कर दिया है, वेस्ट पड़ी हुई थी, चीनी मिट्टी की है, तो हमारे यहाँ ये कोई यूज़ नहीं करता, तो ये बेकार पड़ी हुई थी, तो मैं इसी में ही लगा रहा हूँ फ़िलहाल। तो अगर आपके पास 4 इंच का है तो आप मिनिमम अगर बोनसाई बनाना चाहते हैं तो आपको 4 इंच का ही पॉट लेना पड़ेगा। तो ये जो प्लांट है ये सर्दी के अंदर फ्लावरिंग नहीं करता है, सिर्फ गर्मी में ही करता है। और अब बात करते हैं हम इसको जो है, इसको धूप जो है बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है, तो आप इसको धूप में भी अगर रखेंगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा।
इसको केयर की भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको महीने में एक बार खाद दे दीजिए, अगर ये बड़ा है तो कम से कम मिनिमम 1.5-2 साल का हो तब आप इसको गोबर खाद वगैरह दे सकते हैं। आपने ध्यान रखना है अपने कटिंग लगाते वक्त, या छोटे प्लांट को जो 6 महीने का है या उससे कम का है, उसमें गोबर खाद का इस्तेमाल नहीं करना। गोबर खाद एक्चुअल में होता क्या है, गर्म बहुत होती है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जब आप उसके ऊपर गोबर खाद अप्लाई करेंगे, वो छोटे से के ऊपर ही जो भी छोटा है, 1.5 महीने, 2 महीने या 4 महीने का है, तो उसके ऊपर वो गोबर खाद है जो उसकी जो रूट्स में जाकर लगेंगी, उसका जो है जब हम पानी डालेंगे उसकी जो न्यूट्रिशंस हैं, जब उसके रूट के साथ टच करेंगे तो वो रूट्स को गर्म होने की वजह से नुकसान पहुंचाएंगे और आपकी जो कटिंग है वो आपकी ख़राब हो सकती है, आपका पौधा जो है मर सकता है। इसलिए आपने छोटे प्लांट पे कभी भी गोबर खाद किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं करनी। गोबर खाद गर्म होती है सबसे ज़्यादा, आप और फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ बनाना पिल्स की, मैंने जो खाद बनाई है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि बनाना पिल्स की खाद कैसे बनती है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि बनाना पिल्स की खाद कैसे बनाई जाती है इजीली घर के अंदर। मगर अभी मेरे पास खाद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये केले के पत्ते हैं जो मैंने सुखाए हुए हैं छाया के अंदर ही, और ये गीले हैं अभी हमारे पास कुछ, तो मैं इन्हीं को ही बीच में मिक्स कर दूंगा। यही अपना फर्टिलाइज़र इसको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा, और यही इसके इसको अच्छा पोषण देगा, अच्छा न्यूट्रिशन देगा। केले के अंदर जो है फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा केमिकल कह गया, न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हम केले का छिलका काटते हैं, केला काटते हैं, काफ़ी जल्दी काला पड़ जाता है, वो इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो है आयरन वगैरह की और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर यही आप काट कर अगर इसको प्लांट में दोगे तो आपके प्लांट हमेशा हेल्थी रहेंगे, किसी भी प्लांट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो है इसके अंदर मैं ये रेड कलर की जो ईंट होती है इसके पीसीज हैं, अगर आप इसको गीला करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर पानी अंदर इसकी ये पानी को पी जाती हैं। तो ये अगर हम हमारी इस मिट्टी के बीच में मिक्स होंगे ये, तो ये एक तो वेल ड्रेन हो जाएगा, इसमें पानी ब्लॉक नहीं होगा, और दूसरा जो पानी इन ईंटों के बीच में से है ये आपका पानी हफ्ता 4 दिन या धूप के अंदर गर्मी में इजीली इन पौधों को अपने ही में से ही पानी वगैरह वाटरिंग ये इनकी जो खपत है उसको वो पूरा करता रहेगा। तो इसलिए हम अगर इसको अपनी मिट्टी में अगर बॉन्साई कोई बना रहे हैं उसमें अगर ये मिक्स कर देते हैं तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इनके अंदर स्टोर करने की पानी को क्षमता होती है, तो इसको भी अगर आप डाल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं बालू रेत। बालू रेत को तो आप सब जानते ही हैं, जो समुंदर की रेत होती है जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, हम उसी का ही यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे कि ये हमारी जो पॉट की मिट्टी है वो काफ़ी हल्की हो, जो कि इनकी काफ़ी पसंद आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि इसको हमने अभी कटिंग करना पड़ेगा हमें। आप देख रहे हैं टहनियाँ बेकार हो गई हैं, इतनी लंबी लंबी हो गई हैं, तो अगर हम इसका बॉन्साई बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगा, ये बेकार हो जाएगा। तो मैं आज इसको इस पॉट से बाहर निकालूंगा और इसकी जितनी भी ये ब्रांचेज एक्स्ट्रा हैं वो मैं काट दूंगा। तो चलिए पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ आपके सामने ही। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितना इसको हाइट में रखना है और कितना इसका फैलाव करना है, आप उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर दीजिए वहाँ से। और आपने ध्यान रखना है कि हमें उस प्लांट उस साइज़ से जहाँ से हम कटिंग करेंगे उससे आगे हमें प्लांट को नहीं बढ़ाना है, तो आप कटिंग उसी हिसाब से कीजिएगा। तो मैं इसको मिनिमम इतना ही रखने वाला हूँ क्योंकि मैं इसको इंडोर यूज़ करने वाला हूँ। तो आप फ्लावर जो लगे हुए हैं उनको बेहिचक होकर काट दीजिए, क्योंकि अभी सीज़न है इनका, ये फ्लावरिंग का ही सीज़न है। अभी जितने फ्लावर आप देख रहे हैं, जितने देख रहे हैं ना आप, इससे कई गुना ज़्यादा इसके ऊपर आ जाएंगे, तो उसका वीडियो भी मैं शेयर करूंगा जब आपके साथ, क्योंकि जब ये भर जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कटिंग करने वाला हूँ। मैं इसको
बढ़ाने वाला नहीं हूँ। तो अपने आइडिया से काट दीजिए आपको जितना चाहिए। उससे होगा क्या, जो मैं कटिंग कर रहा हूँ यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा अपनी, और इसकी ब्रांचेस और बढ़ जाएंगी। जितनी ब्रांचेस बढ़ जाएंगी, अब जैसे ये 1 2 3 4 ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, वो 4 की 8 हो जाएंगी, 10 भी हो सकती हैं। तो उसके ऊपर आप समझ सकते हैं जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, और वो छोटा सा एक पेड़ का शक्ल है जो जल्दी से इख्तियार कर लेगा। और आप भरे हुए फ्लावर के पॉट को अगर अपने रूम में रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर आपको देखने में अच्छा लगेगा, ना कि ये लंबी लंबी टहनियों की बजाय। ये लंबी लंबी टहनियाँ एकदम बिल्कुल बेकार हैं, सारा पेड़ खाली होता है और आगे जाके फ्लावरिंग लग जाती है, तो ये बेकार है, इसीलिए इसको कट कर देने में ही फ़ायदा है अगर आप बाउंसाई बना रहे हैं तो। नहीं तो आप अगर नहीं बना रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी दीवार के किनारे रख दीजिए, जिससे कि ये उसके ऊपर ही बढ़ता चला जाएगा। अगर बोनसाई बना रहे हैं तो आपको ये कट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कटिंग ऑलमोस्ट कर दी है आपके सामने, अब ये छोटा कर दिया मैंने। अब मैं इसको पोर्ट से बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और इसकी जड़ें थी एक्स्ट्रा नीचे से वह भी काट दी हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप किसी का बोनसाई बना रहे हैं, अगर आप प्लांट बाहर निकालें, तो आप ध्यान रखना सभी के अंदर ये वाली जो ब्रांच है, ये आप जो देख रहे हैं ये वाली ब्रांच एक्स्ट्रा है, इसको आप कट कर दीजिए, जो बिल्कुल तने के साथ नीचे लंबी आ रही होती है, सभी में हो गई है, ये बिल्कुल बेकार की है, इसको आप काट दीजिए। ये मत सोचिए कि आपका प्लांट मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक आप ये देख रहे हैं, ये ब्रांच साइड से आ रही है निकल कर, ये वाली भी बिल्कुल बेकार है, तो हम इसको भी कट कर देंगे। अब ये हैं जो इसकी रूट्स की, ये हैं जो इसको, इससे ये फीडिंग लेता है, अपनी खुराक लेता है, और ये आप छोटी छोटी कुछ देख रहे हैं, इनसे लेता है, हमें इन्हीं से मतलब है, बाकी से नहीं है। और जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच ये रूट्स हैं, मैं उसको भी कट कर देता हूँ, क्योंकि हमें अब ये छोटे पॉट में लगाना है, तो इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पर नहीं चलने वाली। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना छोड़ा है। आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है कि आपका प्लांट मर जाएगा। अभी आप देखेंगे इसी को मैं ग्रो करने वाला हूँ, और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करेगा। और हो सके तो आप इसकी जो पत्तियाँ हैं वो भी काट दें जितनी हो सके, क्योंकि अब इसको पोषण की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये काफ़ी तेज़ी से पोषण अपना लेगा। हफ्ते 10 दिन में ये बिल्कुल इसके साथ जम जाएगा, और इसकी जो मॉइस्चर इसका इस बर्तन का है उसी को एक्सपेक्ट कर लेगा ये। अब आप देख सकते हैं ये इस पॉट के अंदर इजीली आ रहा है, तो इसलिए आपको वो जो ब्रांचेस मैंने काटी हैं, वो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, वो सभी में होंगी, कि जिसका भी आप बोनसाई बनाना चाहेंगे वो सब में होंगी, तो आप वो ब्रांचेस बिल्कुल काट दीजिए। बाकी जो इसकी प्रूनिंग है वो आपको करते ही रहना पड़ेगा, ये ना हो कि आप इन प्लांट्स की जो ब्रांचेस हैं उसको बढ़ते रहने दें, ऐसा नहीं है। आपको हर 2 महीने में 3 महीने में इसकी प्रूनिंग ऊपर से करती रहनी पड़ेगा। जो आपको एक बात और यहाँ बता दूँ मैं फ़ायदे की, जितनी बार आप इसकी प्रूनिंग करेंगे ये उतना अच्छा अगली बार नेक्स्ट बारे में आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे, अगर आप हर 2-3 महीने बाद इसकी प्रूनिंग करते हैं, तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो फ्लावर से इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि उसमें आपको पत्ते नज़र आएंगे ही नहीं, यकीन मानिए आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो प्रूनिंग इसको आपने करनी है, अगर आपने इंडोर रखा हुआ है जहाँ धूप नहीं लगती, तो आप इसको हफ्ते में 2 टाइम धूप लगवाएं, जो 7-8 घंटे आप धूप में पड़ा रहना है, उसके बाद आप इसको इंडोर रख दीजिए, तो ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो इसके लिए जो मिट्टी है वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो मैं सॉइल के अंदर यूज़ करने वाला हूँ वो ये है, टूटी हुई ईंटें, ये हमारी जो रेत है समुद्र की जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है वो यूज़ कर रहा हूँ, और ये वही मिट्टी है जो हमने इसके बीच में से निकाली है, ये अभी गार्डन की सॉयल, इसमें
ये मैं मिक्स करने वाला हूँ। इसके अलावा जो है मैं इसमें ये थोड़े से सूखे हुए केले के छिलके मिला दूँगा, जो इसको इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र इसका जो है वो दे देंगे। तो चलिए पहले मैं इसकी सॉयल जो मिट्टी है वो मिलाकर तैयार कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने जो इसकी मिट्टी है उसको चारों को मिक्स कर लिया है, इन टुकड़ों को, रेत को और केले के छिलकों को और मिट्टी को आपस में मिक्स कर लिया है। अब आप ये होल ड्रेन होल देख रहे हैं, मैं इसी के अंदर इसको डायरेक्ट डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ इसमें, ये केले के छिलके हैं, ये ईंटें हैं और ये गार्डन की मिट्टी और रेत मिक्स कर दिए मैंने। तो थोड़ा सा हम डाल लेंगे इसके अंदर पहले। तो आपने भी इसी प्रकार करना है, आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और आपको इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा देखने में। अब हम इसको लेते हैं, अब आपने देखना है इसको कि किस डायरेक्शन में आप इसको रखना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लें। आप इसको इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि ये एक ही टेढ़ा डायरेक्शन में आपको फ्लावरिंग करें, या आप इसको सीधा रख सकते हैं। तो मैं इसको सीधा ही लगाने वाला हूँ। तो ये सीधा भी लग जाएगा। आपने देखा इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी हेल्थी हैं, तो आप इसको थोड़ा दबाकर भी अगर डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो छोटे प्लांट में होता है कि आप कि जो उसकी रूट्स होती हैं काफ़ी हेयर की जितनी होती हैं, मतलब बाल जितनी पतली होती हैं, उनको टूटने का खतरा रहता है। इसको तो आप बेशक दबा के भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छे से दबा दें जिससे कि ये आपका प्लांट गिरे ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से दबा दबा कर इसके अंदर लगा दिया है और ये लग भी गया है। अब इसके अंदर हम जो वाटरिंग है वो स्प्रे बोतल से दे देंगे। स्प्रे से देना ठीक रहता है, प्लांट्स को बारिश जैसी फीलिंग आती है और बारिश के जैसा फीलिंग आएगी तो ये और भी ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट अपना देते हैं। तो फ्लावरिंग के जितने भी प्लांट्स हैं अगर आप उनके ऊपर स्प्रे से वाटरिंग करेंगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे, ना कि बाल्टी में डायरेक्ट पानी देने से या गमलों में डायरेक्ट पानी देने से। ये स्प्रे करने से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं, इनको बारिश जैसी फीलिंग होती है और ये बारिश में अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और ऊपर भी छिड़क देते हैं थोड़ा पानी कि जो अभी अभी हमने जड़ें काटी हैं तो ये थोड़ा मॉइस्चराइज रहेगा तो सूखेगा नहीं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने अब ये बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको इसी प्रकार करके छोड़ दीजिए और कुछ टाइम बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको ये काफ़ी भरा हुआ नज़र आएगा। छोटे से के अंदर ही आपका ये बोनसाई तैयार हो जाएगा। अभी इसको ये एक साल ही हुआ है, अभी एक साल का ही है ये, तो आने वाले 2 सालों के अंदर ये अच्छा खासा बोनसाई बन जाएगा। मगर आपने इसकी टाइम टाइम से प्रूनिंग ज़रूर कर देनी है। तो जब इसका ये अच्छे से बन जाता है प्लांट तब मैं आपको इसका वीडियो शेयर ज़रूर करूँगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आपकी प्रॉब्लम का हल ज़रूर बताऊँगा। अगर सीड्स के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी प्लांट को लेना चाहते हैं आप और आपको नहीं मिल रहा आपके एरिए के अंदर, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाइए, आपको हाइब्रिड के जो हैं प्लांट्स वेजिटेबल्स के फ्लावर्स के या किसी बोनसाई को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उस साइड से ईज़िली परचेज कर सकते हैं। आप जाना एक बार ज़रूर, अगर आपको पसंद आए तो ले लेना, मेरे हिसाब से चीप एंड बेस्ट आपको ऑप्शन वहाँ पर मिलेगी। अभी आप खुद ही देखिए ना जी, 300 रुपये के अंदर आपको 45 वैरायटी तो सब्जियों की मिल जाएंगी सीड उनके, सिर्फ 300 रुपये में, और 300 रुपये में ही 30-35 फ्लावर की वैरायटियाँ मिल जाएंगी। इसी प्रकार से आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और इनके अंदर जितने भी सीड्स होते हैं ये हाईब्रिड होते हैं, बोगनविलिया की जितनी तमाम वैरायटियाँ वो सारी की सारी आपको 250-300 रुपये के अंदर ही सीड्स मिल जाएंगे उनके, आप घर पे भी ग्रो कर सकते हो सीड के द्वारा भी। तो आप एक बार साइट पे ज़रूर जाइए, अगर समझ में आती है तो लीजिएगा भी ज़रूर, ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें और आप इस मौके को खो दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।